नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत जो है वो दिन ब दिन गंभीर होती चली जा रही है और इतनी गंभीर होती चली जा रही है कि जितने भी हमारे इदारे हैं, कौमी इदारे हों और आइनी इदारे हों, वो सारे के सारे इसकी लपेट में आ रहे हैं। और बार बार बात हो रही है कि कुछ बातें कानूनी हैं, वो आइनी हैं या नहीं हैं, इस हवाले से भी बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती चली जा रही हैं। और आज की जो अहम तरीन डिवेलपमेंट है उससे तो आप आगाही हैं कि इमरान ख़ान साहब को इस्लामाबाद कोर्ट से जो है ज़मानत मिल चुकी है और बहुत से केसेस में जितने भी उनके चल रहे थे केसेस, उस हवाले से ज़मानत भी मिली, हिफाजती ज़मानत भी मिली। और अब इमरान खान जो हैं लाहौर का सफ़र तय करेंगे और वहाँ पर भी जो उनके कारकुनान हैं अपने लीडर से इजहार यकजहती के लिए मौजूद होंगे। और इस सारी सूरत हाल में जहाँ अदालत इमरान खान साहब को बारहा कहती रही कि दो या तीन दिन जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर रही, इस सूरत हाल के हवाले से मजम्मत कर दें, तो वो हमें नज़र नहीं आई। और आज भी जो सूरत हाल हमें देखने को मिली, उस हवाले से भी इमरान साहब ने कहा कि अगर दोबारा गिरफ्तारी होती है तो इस पे इसी तरह का रद्द अमल आएगा। तो इसी हवाले से बात करेंगे, नैब कवानीन के हवाले से भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब वो पहले बेनिफिशरी हैं जिन्हें नैब कवानीन की तब्दीली का जो है फ़ायदा हुआ है। और साथ ही साथ अब सूरत हाल ये है कि जो हमारी काबीना है मुल्क के अंदर, उसने भी, काबीना अरकान ने भी मुल्क में एमरजेंसी के हवाले से मशवरा दिया है, एमरजेंसी लगानी है या नहीं लगानी। और इस सारी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए आप काबीना के अंदर भी आपको कन्फ्यूजन नज़र आएगी। लेकिन काबीना ने अदालती रवैयों को बहुत ज़्यादा कंडेम किया है और जो अदालत का इस सारी सूरत हाल में रवैया रहा और जिस तरीके से इमरान खान साहब को जमानतें मिलती रहीं, इसके ऊपर काबीना ने तशवीश का इजहार किया। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने आ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं कि आइंदा की जो हमारी सियासत है और जो हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल की सियासत है, वो किस तरफ को रुख मुड़ेगा इस सियासत का। तो इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करा, तो जनाब अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। जनाब ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। और जनाब आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, और इनसे कानूनी पैराहियों पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे बात का आगाज करूंगा कि आज इमरान खान साहब को जमानतें मिली और फिर खूब जमानतें मिली और अब वो लाहौर जा रहे हैं, लेकिन आज की सारी सूरत हाल भी देखी आपने, कल की सूरत हाल भी आपने देखी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी उनके साथ वैसा ही होगा जैसे खान साहब के साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जमानत हो गई है जी पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जो हमने देखा वो अच्छा नहीं देखा। जो पाकिस्तान का इसमें जो नुकसान हुआ है, जो ई कॉमर्स का नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एक्सचेंज क्रैश की, इसी तरीके से जो लोग ऊपर चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, जो डिलीवरीज करवाया करते थे, दुकानों का नुकसान हुआ, सिविल अमलाक का नुकसान हुआ, प्लाजे जला दिए गए मोटरवे के ऊपर, इसी तरीके से जिना हाउस कायदे आजम का जाती घर, और मैं वहाँ बचपन में क्योंकि रहा तो मेरी बड़ी यादें हैं, और वो बहुत खूबसूरत घर और उसमें कायदे आजम के बकायदा जो जाती इस्तेमाल का फर्नीचर था जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था, सिर्फ एक शोकेस के तौर पर रखा गया था, उसको भी जला दिया गया। बहरहाल मस्जिद भी जला दी गई वहाँ। लेकिन बहरहाल अब मसला यह है कि ये जो एमरजेंसी की बात आपने की, मैं समझता हूँ कि ये आने वाले 24 घंटे बहुत अहमियत के हामिल है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को फैसला करना है कि रियासत को बचाना है या सियासत को बचाना है, और वो सियासत भी एक खास ग्रुप की, क्योंकि ये जो रवैये हैं, ये जो हमने देखे हैं, ये कोई सियासी रवैये नहीं है। और ठीक है, अगर हम पीटीआई की ये बात को मान लें कि इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो बलवाई थे इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मैं ये डिमांड करना चाहूंगा, और यहाँ हमारे मौजूद जमीर साहब भी बैठे हुए हैं और वकील साहब भी इसमें मौजूद हैं, तो हम उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा इस बात पे कि वो हमें जरा बताएं कि इसके ऊपर फिर फॉरेंसिक करवा लेना। जो यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो आई है जिसमें वो कोर कमांडर साहब के घर जाने की बात कर रही हैं, और इसी तरीके से जो दीगर लोग जिनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और कईयों को तो मैं जाती तौर पर जानता हूँ जिनकी मेंबरशिप बकायदा उनके फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर, उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनके ऊपर बकायदा उनके मेंबरशिप नंबर, उनके कार्ड, उनकी चीजें मौजूद हैं, और उनकी शनाख्त जो है वो तो मौजूद है वहां पर, तस्वीरों में हमने भी देखा है। लेकिन बहरहाल इससे हट के वो जो इबाद फारूक साहब बात कर रहे हैं, इसी तरीके से इम्तियाज शेख बात कर रहे हैं, मुसर्रत जमशेद बात कर रही है,
वो मतलब एक बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि ये जो एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी मैं तो कांटेक्ट में ही नहीं था, और अभी आपने अपने बयानिए में खुद ही बोल दिया कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं खान साहब के जी इससे इसी तरह के हालात दोबारा हो जाएंगे, यानी कि वो अबव लॉ है। क्या रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर खलीफा वक्त जो है वो कानून से ऊपर होता है? तो अगर होता है तो मिसाल मिलनी चाहिए। और क्या माजी के अंदर जो है वो लोगों को, लेकिन मेरे ख्याल है कि बहुत ज्यादा नरमी जो है वो दिखाई गई है माजी में। और क्या टीटीपी जो थी, क्या टीटीपी जो है वो क्या अपनी जोर जबरदस्ती और अपनी धौंस से अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करवाना चाहती थी? तो फिर उसके लिए उन्होंने जो रवैये अख्तियार किए वो आपने पिछले जो 2 दिन देखे उनमें वो कौन से रवैये थे? इसलिए मैं ये कहूंगा कि चले एक पार्टी के ऊपर एक इल्जाम है और उसकी की क्यादत जो है उसको मुस्तरद कर रही है कि ये उनके लोग नहीं थे, मान लिया, फोरेंसिक करवा लें और पता चल जाए कि वो वीडियोस, वो चीजें, ऑडियोज जो है वो जाली हैं या दुरुस्त हैं। अब दूसरी तरफ जो है मजम्मत की बात करना, हमने वो देखी कि वो ऐसी कोई लीडरशिप की तरफ से और खासतौर पर इमरान खान की तरफ से इतना बड़ा नुकसान हो गया, तकरीबन 2 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। और ये 2 दिन के अंदर ये जो सरकारी अमलाक थी, रेडियो पाकिस्तान था, चीफ जस्टिस साहब से भी मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अदलिया जो है वो ट्रू मोटो नोटिस लेगी, जीएचक्यू पे हमले का जाहिर लेना चाहिए था, और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो लेगा कोर कमांडर के जिना हाउस के घर पे, चले कोर कमांडर के घर को छोड़ दें, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के घर के ऊपर तो नोटिस लिया जा सकता था ना। क्या याद नहीं है कि इसी तरीके से एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था जिसने कायदे आजम की रेजिडेंसी को जो है ज्यारत के अंदर जला दिया गया था? तो फिर वो क्या कायदे आजम का घर था और ये घर नहीं था उनका? तो मकसद ये है कि जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जली, मैं उम्मीद कर रहा था कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर बकायदा वो ट्रू मोटो नोटिस लेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं नजर आ रहा। यहाँ जो है वो इतना फसाद हो गया। सही अब्दुल्ला साहब आपके इस सो मोटो के पॉइंट के ऊपर भी मैं आता हूँ। जमीर हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमीर हैदर साहब के सामने भी मैं यही वाला सवाल रखना चाहूंगा जो कोर्ट की आज सूरत हाल रही। मौलाना की बात कर लूं, अगर आपकी इजाजत हो मौलाना की बात कर लूं एक मिनट में। देखें मौलाना फजल रहमान जो हैं वो धरना देने जा रहे हैं और आपको पता है कि उनके भी डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं और मैंने वो उनके घर धरने देखे हुए हैं और मैं कईयों में जाके खुद अपनी आंखों से देखा है। मसला ये है कि ये रवैये जो है ये कब से शुरू होते हैं अदालत के ऊपर, और अदालत जो है बेहतर ये है कि तमाम मसाइल का हल ये है कि अगर एक फुल कोर्ट बना लें, वरना यकीन मानिए कि जब मुल्क और आइन में कोई बात आएगी तो मेरे ख्याल में मुल्क बचाया जाएगा, आइन को जो है वो फिर रद्द करना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी। सही, मुल्क बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। आरिफ चौधरी साहब, सर बताइएगा, जमानतें मिल रही हैं, अदालती फैसले हो रहे हैं और अदालती फैसलों पर बड़ी शद्दोमद के साथ जो है अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन ये सारे के सारे अदालती फैसले जो हैं सर ये 14 मई के गिर्द घूमते हैं। कल की भी अगर बात की जाए तो खान साहब ने अदालत में कहा मैं तो सिर्फ इंतखाब चाहता हूँ, और आज भी इंतखाब की बात हो रही है, 14 मई भी करीब है। तो 14 मई को अगर इंतखाब नहीं होता तो आपको लगता है कि क्या अदालत जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकती है? देखिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने प्रोग्राम में लिया। असल बात यह है कि हम घर की तरफ नहीं जाते, हम जो उसके शाखें हैं उनकी तरफ जाते हैं, यानी हम असबाब व अलल की तरफ नहीं जाते। हमें देखना यह चाहिए कि ये सारी सूरत हाल जो है ये किस वजह से हुई है। बात यह है कि 13 महीने हो गए इस मुल्क में एक सूरत हाल पैदा हुई, हम उसकी ना माने इमरान खान की बात के जी वो कह रहे थे कि ये रिजीम चेंज हुआ है, किसी के कहने पे हुआ है, लेकिन सब कुछ के बावजूद इस 13 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो खौफनाक किस्म के हालात पैदा हुए हैं, एक तरफ बे इंतहा महंगाई, और वो महंगाई यकीनन ऐसे लोगों को तो नजर नहीं आती जो इसमें मुतासर नहीं होते, बराह रास्त बड़े लोग हैं उनके तो मसायल ऐसे हैं, लेकिन आम आदमी तो पिस रहा है और बुरी हालत हो गई है। जब आम आदमी पिसता है और फिर उसके बाद यानी ऊपर से यानी इस पे तुरफा तमाशा ये है
कि पॉलिटिकल अरेस्ट जो है वो इस अंदाज में हो रही है कि जिस तरह दहशत गर्दों की अरेस्ट होती है। खान साहब पे हमला भी हुआ, आप मेरे साथ हैं? जी जी। खान साहब पे हमला भी हुआ और कातलाना हमला हुआ, लोग मारे गए और हर रोज ये तशद्दुद के वाकयात जो हम देखते रहे। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है, पहली बात तो ये आपको पता ही है कि मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी साहब, आरिफ चौधरी साहब जिसे आप फरमा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, आप फरमा रहे हैं कि दहशत गर्दों की तरह सियासी अरेस्ट हो रहे हैं, तो वो तो खान साहब के अद्वार में भी होते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं मशकों को और उन्हीं एक्सरसाइजेस को दोबारा से रिपीट किया जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में ये बात चल जानी चाहिए और इसे जस्टिफाई कर दिया चाहिए। खान साहब जो है उनकी हम इस मामले में कोई हमायत करते थे उनके उस दौर में, आपके चैनल पे और हर जगह आपने बाकायदा मजम्मत की। मैं कोई खान साहब के साथ हूँ? मैं तो इस मुल्क की जो बात करते हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की वजह क्या बनी है। पाकिस्तान में जब इस तरह के मुश्किल हालात पैदा हुए हैं और चीजें जो थी लोगों को नजर आना शुरू हुई है कि एक ही तरफ जा रही है, तो आप दुनिया में देखे तशद्दुद, उस ये जो कहते हैं ना टेरर, ब्रीज टेरर, जब तशद्दुद आप करते हैं तो उसके नतीजे में तशद्दुद पैदा होता है। मैं इसमें इसकी अलह में इसलिए भी नहीं जा सकता क्योंकि इसकी इंक्वायरी बाकायदा करवाई जानी चाहिए। ये जो फॉरेंसिक वाली बात है, ये नौजवान हमारे कह रहे हैं, उन्हें मेरा नाम भी नहीं याद है बतौर एडवोकेट के, मैं आप इस काउंसिल, मसला ये है कि ये कोई हर्ज नहीं उसमें, ये करवानी चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि जो जड़ है उसकी तरफ जाने की जरूरत है। यानी एक बात तो पाकिस्तान में अगर आप देखें कि एक तरफ गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी होती है, यानी आके अदालत के अंदर से सही। चौधरी साहब मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से भी आपके सामने सवाल रखा और इसी हवाले से आपसे मजीद जानना भी चाहूंगा, लेकिन जमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने मैं सवाल रख रहा हूँ। जमीर साहब फरमाइएगा कि आज की सारी कार्रवाई आपने देखी, 3-4 दिन से जो मुल्क के अंदर मामलात चल रहे हैं वो तो आपके मद्देनजर होंगे ही, सर ये फरमाइएगा कि आज जब खान साहब पेश हुए तो कल तक उनको ये कहा जाता रहा कि आप इस तमाम मुल्क के अंदर जितने भी हालात वाकयात पेश आए हैं उसकी मजम्मत फरमा दें तो ज़रा अच्छी बात होगी, और आज जब उन्हें पेश किया गया तो आज उनकी तरफ से ये रद्द अमल था कि दोबारा गिरफ्तार किया गया, तो वही रद्द अमल आएगा जो मुल्क के अंदर दिखने में आया जिससे वो कल तक लातालुकी का इजहार कर रहे थे कि मैं जेल था, मुझे क्या पता बाहर क्या चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या खान साहब इस सारी सूरतेहाल पे खुश हैं और इस सारी सूरतेहाल का जिम्मेदार कौन है? देखिए बात यह है कि सारी सूरतेहाल का जिम्मेदार तो फिर हुकूमत है, उसकी वजह यह है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा था जो इमरान खान साहब जिसको पुश कर रहे थे, और वो था कि आप मुल्क में इंतखाबात करवा दें, आम इंतखाबात, और इसके अलावा तो शायद कोई डिमांड नहीं है। और अब वो अगर उस पर हुकूमत नहीं आती और उसके बाद मुजाकरात में भी बैठते हैं और फिर दोबारा हुकूमत जो है वो इस तरह के कामों की तरफ जाएगी जहां पे आप इमरान खान साहब को अरेस्ट करेंगे, और फिर वो तो पहले जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन इमरान खान का ये कहना कि जनाब वो फिर रिएक्शन उसी तरह का होगा, तो उसमें कोई कोई रीजन नहीं है कि ना हो, क्योंकि वो भी उस वक्त भी शायद अगर आपने सुना हो बहुत सारे पीटीआई के लीडर्स पे ये स्टेटमेंट गई थी कि जी ये हमारी कॉल पे नहीं आए, ये लोग खुद निकले हैं, तो इमरान खान उसी पॉइंट को सामने रखकर ये शायद ये कह रहे होंगे कि जनाब मैंने तो किसी पर कोई मतलब नहीं कहा कि वो निकले बाहर, तो ये सारी सूरत हाल तो सामने है। लेकिन बात यह है कि क्या हुकूमत जो है वो इन चीजों को खुद एसेस नहीं कर रही, खुद देख नहीं रही? सही। जमीर साहब आपने इंतखाबात की बात की तो 14 मई भी करीब आ चुका है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें 14 मई के बाद तो अब वो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में मामला दोबारा चलेंगे, वो उनसे पूछेंगे कि क्या क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीजें हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब भी धरना देने की बात करेंगे, कॉल देने की बात करेंगे, तो क्या वो अनरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे? वो अदलिया के सामने एक जो है वो नहीं उठा रहे सवालात? नहीं सर, वो तो सर कह रहे हैं कि हम तो उसी तरीके कार को अपनाएंगे, हम वही सोटे मुक्के डंडे और वो तमाम चीजें लेके आएंगे जिस तरीके कार को खान साहब की पार्टी ने अपनाया था, और फिर हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या अदालती रवैया इस सारी सूरत हाल के बाद हमारे साथ कैसा होता है, और ये एक बुनियादी सवाल है, और जितनी भी काबीना और गवर्नमेंट के अरकान हैं वो इस सवाल के ऊपर बार बार तशवीश का इजहार कर चुके हैं कि जो अदालतों का, जैसा आपने ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को भी सुना होगा, वो भी ये कहते रहे कि हमें ये अदालत
अदालतें बुलाती रहीं और हमारे साथ इस तरह के मामलात नहीं हुए जो कि खान साहब के लिए एक खुसूसी रिलीफ रखा गया है। देखें बात यह है कि वो तो अब इंप्रेशन तो यही देंगे ना कि जी इमरान खान साहब इस वक्त अदलिया के लाडले हैं जी, लेकिन अभी इसका कोई एविडेंस है उनके पास कि अदलिया के वो लाडले हैं? जब आप एक बकायदा कैंपेन शुरू कर देंगे, आप कौमी असेंबली के फ्लोर से अदलिया के ऊपर आवाजें लगाएंगे और उनको डिक्लेयर करेंगे कि जनाब ये एक प्राइवेट पार्टी बन चुके हुए हैं, और फिर गुज़िश्ता रोज जिस तरह की मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट की, तो वो तो एक खुद माहौल उस तरह का क्रिएट करने जा रहे हैं जहां पे अनरेस्ट पैदा हो और उनको इलेक्शन से निजात मिले। बेसिकली उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा जो इस वक्त पीडीएम और उनकी हुकूमत का वो यही है कि इलेक्शन वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्होंने उस पर निकलना। सही सर, एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि वक्त कम है, और सर ये फरमाइएगा कि जो आज काबीना के बेशतर अराकीन वज़ीर आज़म साहब को मुल्क में एमरजेंसी लगाने का मशवरा दे रहे हैं, इस हवाले से आप समझते हैं कि हुकूमत कोई संजीदगी का मुजाहरा करेगी और एमरजेंसी के हवाले से कितना संजीदा आपको दिखाई देती है? ये अभी तो आज फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी हम पीडीएम में दोबारा मशावरत करेंगे एमरजेंसी के हवाले से, लेकिन उसके साथ ही पीडीएम के जो सदर है मौलाना फजल रहमान साहब ने आके अपना एक एजेंडा बता दिया। अब ये एक एमरजेंसी की तरफ जाने से पहले एक दोबारा वही प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदालतों के ऊपर, और कोशिश ये करेंगे कि अगर तो उनको लगा कि मामला जो है वो अदालत से उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है, कोई इस तरफ चला जा सकता है कि वो पीटीआई को भी थोड़ा सा नजर आए कि पीटीआई के भी खिलाफ जा रही है अदालत, तो फिर तो ये डिले कर देंगे, वरना इनके पास ऑप्शन एमरजेंसी के अलावा कोई है नहीं और ये उसी तरफ जाएंगे। सही, इनके पास एमरजेंसी के अलावा आपको कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। यहाँ लेंगे जी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब्दुल्ला गुल साहब, सर ये फरमाइएगा मुज़ाकराती अमल की, जिस तरह के ज़मीर साहब ने भी बात की, इंतखाबात के हवाले से भी बात की, तो हम अगर तारीख को देखें तो मुज़ाकरात पानामा टीओआरस का मामला हो इस पर मुज़ाकरात, असेंबली में कानून साजी हो इस पर मुज़ाकरात, इलेक्शन का मामला हो इस पर मुज़ाकरात, और अभी की जो सारी सूरत हाल रही, जो इंतखाबात पंजाब में होने थे, अदालत भी कहती रही इस पर मुज़ाकरात, तो आपको क्या लगता है कि जमहूरियत के क्या उसूल हैं कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो आज तक कोई मुज़ाकरात जो हैं उनको अमली जामानी पे ना पाए और कोई मुज़ाकरात आज तक कामयाब नहीं हो सके? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात इस तरह से कामयाब नहीं होंगे क्योंकि इनके रवैयों में बहुत दूरियां आ गई हैं, और आरिफ चौधरी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि उनके लिए मेरा बहुत दिल एहतराम रखता है, और बिल्कुल मुझे नाम याद है उनका, और मैं माफी चाहता हूं अगर उनको मेरी बात में महसूस हुई, मैंने उनको वकील कहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं जमीर साहब से जरूर ये पूछना चाहूंगा कि वीडियो बयान जब इमरान खान साहब जिस दिन वो सुबह जा रहे थे और अदालत से जब वो गिरफ्तार हुए, तो वीडियो बयान में उन्होंने क्या कहा? बाहर ना निकलो। क्या ये नहीं बोला उन्होंने कि बाहर निकलना तुम? तो फिर आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो कहा ही नहीं है बाहर निकलने का, तो मेरे ख्याल में दोबारा जरा सुन ली जाए उस वीडियो को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं ये इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि ये किसी ना किसी के कहने पे मुज़ाकरात किए जाते हैं, इनके रवैये बहुत सख्त हो चुके हैं और ये यानी सर इसका मतलब है कि किसी सहारे की तलाश होती है। जी बिल्कुल, असल में वो कोई ना कोई कभी इंपायर की उंगली का इंतजार होता है, कभी जो है वो रावलपिंडी की तरफ देखा जाता है, कभी रातों को छुप के मिलते हैं, कभी जो है वो कहीं कैसे आप मुझसे आप क्या मुंह खुलवाते हैं, सबकी निगाहें जो है वो आरा की तरफ और रावलपिंडी की तरफ लगी होती हैं। ये कोई इनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतना दम हो कि वो अपनी बुनियाद के ऊपर रखे। देखें सीधी सी बात यह है कि ये जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, खान साहब अभी आरिफ चौधरी साहब ने जो बात की, मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा, आरिफ चौधरी साहब वकील हैं और मैं उनकी राय लेना चाहूंगा कि ये जो कहा गया कि एफआईआर नहीं हुई इमरान खान साहब के जो ऊपर उनके ऊपर हमला हुआ, जो कि बिल्कुल गलत हुआ, मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सीसीटीवी फुटेज थी उस ट्रक के ऊपर लगी हुई, वो आज तक क्यों नहीं सामने आई? क्योंकि वो ट्रक तो कस्टडी में था पीटीआई की। दूसरी बात यह है कि आरिफ चौधरी साहब ये भी बता दें कि क्या सिविल
जो रिपोर्ट होती है मेडिकल की, क्या वो सरकारी अगर अस्पताल से न कराई हो, जबकि खासतौर पे उनकी हुकूमत थी वहां, तो वो शौकत खानम की जो मेडिकल रिपोर्ट है, क्या कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसको कबूल करेगा पाकिस्तान की ताजीरात के मुतालिक? ये मेरा सवाल है, ताकि उससे पता चल जाएगा कि FIR क्यों नहीं हुई और किस बुनियाद के ऊपर नहीं हुई, और क्या वजह थी कि वो मेडिकल जो है वो वहां से सरकारी अस्पताल में, जबकि पंजाब में उनकी हुकूमत थी, नहीं कराया गया। दूसरी बात यह है कि ये जो मौलाना फजल रहमान वाला मामला है, देख लें ये रवैया हर रोज, ये जज एक खातून जज थी जिनको पुकारा गया उनके नाम ले लेके, और फिर बाद में वो बात उनकी माफी तलाफी हो गई, लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरों ने भी एक से बढ़कर एक, आपको तो पता है ये तो खत्म नहीं होने वाला सिलसिला, और फिर रवैये देख लिए। ये हकीकत है कि रातों के लिए कत्ल दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी, लेकिन कभी कातिल के लिए रात को सजा यहाँ अदालत नहीं खुली, ये तारीख है और ये बड़ी भयानक तारीख है। दूसरी तरफ जो है हम ये देखते हैं कि बकायदा गाड़ी के अंदर बैठ के जो है वो हाजिरियां लगवाई जाती हैं, क्या कोई ऐसा आरिफ चौधरी साहब बता दें, ये जमीर साहब बता दें, कोई इनके सामने एक मिसाल ऐसी मौजूद है? कल मर्सिडीज के अंदर उनको लेके आए, क्या बाकी लोग जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों में या पुलिस की गाड़ियों में नहीं आए? क्या ये भी एक हकीकत नहीं है? तो फिर जिन लोगों को भेजा गया उनको जो है वो क्या गेस्ट हाउस पे भेजा गया पुलिस के? तो माजी के अंदर देखें, एक बात है, एक इल्जाम है, और इसके ऊपर अदालत ने एक दफा भी नहीं कहा कि उनके ऊपर जो 50 अरब रुपए उस वक्त के और मौजूदा दौर के 60 अरब रुपए जो है उसका एक इल्जाम है, वो बेबुनियाद है, वो गलत है, वो केस झूठा है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। बोला ये गया कि जो तरीका कार अरेस्ट का था वो गलत है। तो फिर क्या मतलब है कि मावराए कानून है? ठीक है, 13 महीने से जो है वो आदमी ये कहते हैं कि जी इलेक्शन करा लो, लेकिन इस बात का जवाब तो अब्दुल्ला गुल साहब, आरिफ चौधरी साहब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि वो मायरे कानून हैं। तो आरिफ चौधरी साहब, आपने अब्दुल्ला गुल साहब की बातें भी सुनी और उन्होंने आपके सामने सवाल रखा, तो मैं इसके साथ एक और सवाल भी आपके साथ जोड़ता हूँ कि जब गुड टू सी यू का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, तो अगर देखा जाए कोई आम मुजरिम हो या मुलजिम हो या कोई भी बंदा हो जिसे अदालत में लाया जाए, तो उसे भी बड़े घसीटते हुए अंदाज से लाया जाता है और बड़ा उसके हाथों में कड़ियां बेड़ियां सब कुछ होते हैं, और जो यहां पर सूरत हाल थी, ये फरमाइएगा कि क्या अवामी लीडर होने की वजह से या अवामी लीडर होने की हैसियत से कोई अलग से रवैये हैं, और क्या चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो एक लीडर को कहें कि गुड टू सी यू? बेस्ट विशेस, बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं ये बात कर सकूं। अब बात यह है कि जहां तक इस आखिरी बात को मैं सबसे पहले डील करता हूँ, जो ज्यादा अचंभे वाली बात लग रही है कि जनाब उन्होंने कहा कि गुड टू सी यू जी। सबसे पहली बात तो ये गुड टू सी यू वाली जो आज पहली दफा मैंने नहीं सुनी, क्योंकि मैं अदालत में होता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने वहां उस जमाने में जब नवाज शरीफ साहब जो मेमो गेट पे आए थे, तो उस वक्त हालत ये थी कि जनाब जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, उन्होंने इतना ज्यादा उन्हें प्रोटोकॉल दिया था कि मुझे तो ये लगता था कि शायद उन्हें कहे कि आप इधर ऊपर आ जाए, हमारे साथ ही बैठ जाए और हम आपको चाय भी साथ ही पिला देते हैं। ये बात अच्छा, दूसरी बात जो है ना, मैं आपको एक करूं, ये इसलिए भी था कि वो उस वक्त एक्यूज के तौर पर नहीं आ रहे थे, उस वक्त उन्हें इसलिए एक महबूस के तौर पर इसको जरा समझने की जरूरत है, सबसे बेजाब में थे क्योंकि उनकी जो गिरफ्तारी है उसे प्राइमा पेशाई टेंटेटिव थी, अदालत ने यह समझा था कि वो अदालत के फैसलों के बरक्स है, क्योंकि अदालत के फैसले मुतद्दद मौजूद है कि आप किसी शख्स को अदालत के इहाते से गिरफ्तार नहीं कर सकते, इवन सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग लॉट से जब गिरफ्तार किया गया तो उसको भी उन्होंने जमानत भी दे दी और मैथ को उन्होंने बाकायदा बुलाया भी और उनसे तोहिन अदालत की कार्रवाई। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं आपको एक कर्ज करूं कि पाकिस्तान में जिस कदर खौफनाक तबाही हुई है, पहला तो यह है कि मैं हैरान हूं कि एक शख्स जो जिसको आप गिरफ्तार करते हैं वो जेल में चला जाता है, आपके पास है उसकी सारी क़यादत को आप उसी वक्त पकड़ लेते हैं और फिर उन कहते हैं कि जनाब ये सब कुछ उनके कहने पे हुआ, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको कह करूं कि ये तशद्दुद और ये बर्बरियत जो है इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी? आप इस वक्त लोग इस हद तक तंग आ चुके हैं गुरबत और मसाइल से कि उन्हें रास्ता चाहिए। और तीसरी जो मैं फौरी तौर पर जवाब देना चाहता हूँ, जो FIR की बात है, ये मैं अपने बेटे से अपने छोटे भाई से ये अर्ज करूंगा कि ये जो FIR है इसका ये सबसे पहले रजिस्टर होती है, उसके बाद बाकी चीजें आती है, और कानून का अमल उस वक्त तक शुरू नहीं होता जब ये, इसे कहते हैं FIR जो है ये इंजन है
एजेंट को इग्नाइट करने वाली चीज है कि जिससे जो है कानून का इंजन चलता है वो इग्नाइट करने वाली एफआईआर होती है। तो ये बुनियादी हक है किसी शख्स का, अगर एफआईआर दर्ज भी की तो उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी करवा देते। और फिर ये है कि ये एक वाकया नहीं है, अरशद शरीफ का वाकया। अच्छा चौधरी साहब, इस तरह के बहुत से वाकये हैं, बस मुख्तसर सा मुझे आपका एक जवाब चाहिए, मुख्तसर सा मुझे आपका ये जवाब चाहिए कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो क्या जो हमारी अदालत है वो हुकूमत पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर ये इनकी धमकियों में आ गए, ये करने वही वाले हैं जो पहले खुद डायरेक्ट किया था, मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था, अब वो इनके जरिए करवाना चाहते हैं, वरना उनका कोई केस नहीं है पहले वहाँ। ये इसके अलावा अगर खुदा न खासा इस पे अमल दरामद के सिलसिले में इनके खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो इन्हें अदालत की, सही। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आरिफ चौधरी साहब मायरे कानून हमारे साथ रहे, जबकि अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ रहे, और जमीर हैदर साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ रहे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाजीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।